राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पारित आरटीएच बिल को लेकर प्रदेश भर में विगत दिनों से किया जा रहा चिकित्सकों का आंदोलन मंगलवार को सरकार के साथ हुए समझौते के बाद समाप्त हो गया। बिल को लेकर सरकार तथा चिकित्सकों के साथ हुए समझौते के बाद प्रदेश भर में निजी चिकित्सालयों में चल रही हड़ताल समाप्त हो गई और बुधवार से चिकित्सालयों में सभी सेवाएं सुचारू हो गई। हड़ताल की समाप्ति के बाद बुधवार को सभी निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं सामान्य हुई, जिसके चलते अस्पताल में रोगियों की कतारें दिखाई दी। शहर के छावनी स्थित जय क्लिनिक नर्सिंग होम में आउटडोर में रोगियों की अच्छी खासी तादाद दिखाई दी। हड़ताल की समाप्ति के बाद अस्पताल में सभी प्रकार के रोगियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। जय क्लिनिक नर्सिंग होम तथा आईएमए के डॉक्टर सीपी सिंघल ने बताया कि आंदोलन में चिकित्सकों की जीत हुई है, सरकार को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और चिकित्सकों की मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई है। डॉक्टर सिंघल ने बताया कि अब सभी निजी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गई है। मालूम हो कि आरटीएच बिल को लेकर प्रदेश भर में निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की ओर से आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन के दौरान चिकित्सक आरटीएच बिल की खामियों को दूर करने की मांग कर रहे थे। करीब 17 दिनों तक चले आंदोलन के बाद आखिर सरकार तथा आंदोलनकारी चिकित्सकों के बीच मंगलवार को वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद चिकित्सकों ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की। जो हमारी स्ट्राइक चल रही थी नो टू आरटीएच के लिए, उसके लिए हमारी मांगे मान ली गई और सभी निजी चिकित्सालयों को फ्री कर दिया गया और उसके साथ ही 50 बेड तक के सभी हॉस्पिटलों को फ्री कर दिया गया है। और जो ट्रस्ट के और वो जो दूसरे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने की गवर्नमेंट एड ले रखी है, उनको अभी इसी में रखा गया है। और इसलिए हम लोग सब में खुशी की लहर है और हम सब काम पे वापस लौटे।